अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, नेपाल, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ से जो हमें सुन रहे हैं सबको जनाब देसी दोस्त फ्रॉम अली वी स्क्वाड का जनाब अस्सलामुअलैकुम और सलाम अज़ो जनाब। आज आप देखते होंगे कि जनाब जाहिद भाई आज किधर हैं और क्यों हैं। बेसिकली मैं इस्लामाबाद में हूं और आज हमारे जनाब जो कैप्टन हैं वो अली वीर इस्लामाबाद में आ चुके हैं। तो हमने एक जो कमिटमेंट की थी अपनी पब्लिक से, ये हमारी वीडियो इतनी क्यों लंबी नहीं होगी क्योंकि हमें बहुत से काम हैं, क्योंकि हम सनियों की तरह या बग़ैर आज़म जो प्रोफेसर हैं इनकी तरह व्यूज़ देने के लिए 30-30 मिनट की वीडियो नहीं बनाते। हमारी हार्डली वीडियो जो होती है वो 12-14 मिनट की होती है, आपने देखा होगा, लेकिन आज भी वीडियो मेरी इससे भी शॉर्ट होगी क्योंकि हमने सच्चाई को साबित करना है और उसके लिए हमने ठोस शवाहिद इकट्ठे करने हैं। ऑलमोस्ट जो हमारी टीम ने उसकी वर्किंग पूरी कर दी है, दो चार प्रोसेस ऐसे हैं जो करने के बाद हम इंशाल्लाह ताला सुरखरू हो जाएंगे। तो जनाब आए कैमरा घुमाते हैं जनाब और आपको आज शरीकों को आग लग जाएगी कि अली वी स्क्वाड के कैप्टन जनाब हमारे साथ मौजूद है। कैसे आप सब? वैसे हम दोनों को इकट्ठा देख के तो बड़े बड़ों के पछवाड़े को थोड़ा सा थोड़ा सोचा बोल दे कुछ नहीं होता। वैसे ना जाहिद भाई, हम दोनों को इकट्ठा देख के तो ये जो हैं इनसे क्या बेहतरी हो जले। और यहाँ पे हमने कुछ डिपार्टमेंट्स में काम करना था, मिलना जुलना था, कुछ अहम हमारी मीटिंग्स थी। तो आज काफ़ी सारी वीडियोस मैं देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि अली वीर स्क्वाड और ख़ुद अली वीर पता नहीं कहाँ भाग गए, छुप छुपा के, और डर गए या ये हो गया वो हो गया। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, हम अपना होमवर्क कंप्लीट करें, क्योंकि जब भी हमने कोई दावा किया है, कमिटमेंट की है, उसको फुलफ़िल किया है, जो भी प्रॉमिस किया है हमने अपने ऑडियंस के साथ। तो इस केस में भी हमने जो जो दावे किए थे उनको मद्देनज़र रखते हुए हम भाई देखें, वीडियो पे वीडियो डालना हमारा मेन मकसद नहीं है। हमारा मेन मकसद है कि जो इस केस में शरीक हैं, इन्वॉल्व हैं सितारा यास्किन को डिस्ट्रॉय करने वाले, उनको जो उनकी जो रियलिटी है उनको एक्सपोज करना बहुत अच्छे तरीके से, दलीलों के साथ, सबूतों के साथ। और इसी सिलसिले में मैं इस्लामाबाद आया हूँ, तो बाकी चलता ही रहेगा ये सारा सीन। मैं एक चीज़ इसमें शामिल करता जाऊँगा अली भाई, और स्पेशली संडी को बोलूँगा कि कुत्तों के भौंकने से ना शेर अपना रास्ता नहीं बदलते। ये बात आपने माइंड में सेट कर लो कि जो तुमने कुत्ते भौंकने के लिए मार्केट में छोड़े हैं, जाहिर भाई यकीन माने इसका जो मतलब अभी सीन बना हुआ है ना, जिस तरह से ये बौखला गई है, मुझे तो लगता है इसने पटाखा जल्दी मार देना कि इसके लिए अली वीर एक नाइटमेयर बन चुका है। ऐसे ही नाइटमेयर बन चुका है इसके लिए। तो भी नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, किन किन डिपार्टमेंट्स में हमें जाना है, कहाँ कहाँ हमारी मीटिंग्स हैं, तो वो भाई एक धमाल होगा। लें जी, अब जेम्स बॉन्ड आपसे बात करेगा लीग स्क्वाड का। एक अहम मैसेज जो जहाँ पर मैं छोड़ना चाह रहा हूँ अपनी ऑडियंस के लिए और सितारा यासीन के एडिटर्स के लिए, कि कुछ आस्तीन के सांप हम में भी मौजूद हैं जिनको शायद कुछ चीज़ें हज़म नहीं हो रही कि ये लोग इतनी जल्दी से यानी ग्रो क्यों कर रहे हैं, या सितारा यासीन इनके साथ रबते में है या रबते में नहीं है। इसके हवाले से भी मैं आपको एक अहम डिटेल देता जा रहा हूँ कि मैंने जो हम लोगों ने एक चीज़ आपको आके बताई थी इस संडी के हवाले से या प्रोफेसर बग़ैरत आज़म के हवाले से, तो उसको की मैं क्लैरिफिकेशन करता जो अपनी बात की मैं फिर से तस्दीक करता हूँ कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। जैसे कर रहे हैं ठीक, और हम आपको वेरी क्लियर बता रहे हैं कि जी हमारा सितारा यासीन के साथ ना कोई रबता है ना कोई रबता था अभी तक, करंट की बात कर रहे हैं। ना सितारा यासीन के पास हमारा मोबाइल नंबर है, ना सितारा यासीन ने हमने कम से कभी भी इंस्टाग्राम पर रबता किया। सितारा यासीन को हम वीडियोस मैसेज ही, अली भाई ऐसे ही है, वीडियोस मैसेज की आता कि हम उनको मैसेज कर रहे होते हैं जो उनको मिल रहे होते हैं। हमने नहीं किया मैसेज, हमने लिखा नहीं है, लेकिन हम अपनी वीडियोस के थ्रू उनको डिफेंड करें बहुत अच्छे तरीके से वीडियो, और उसका उन्होंने रिस्पांस दिया हमें। आपकी सेकंड लास्ट वीडियो थी उसमें उन्होंने एक कमेंट किया था,
जी वो उन्होंने रिस्पांस दिया जी बहुत अच्छे तरीके से। और वो जो सितारा यासीन का एक मैसेज था वो कई लोगों को हजम नहीं हुआ कि ये अभी 4 दिन पहले ये स्क्वाड आया और इन्होंने इतनी स्पीड के साथ इस काम को बखूबी से अंदाज अंजाम दिया और सितारा यासीन ने इनकी वीडियो के ऊपर आके कमेंट्स किया, तो ये उनके लिए तो बड़ी ऑनर की बात होगी। लेकिन एक जनरल सी बात है कि एक बहन के लिए हम लड़ रहे हैं तो एक बहन ने हमें ये बोल दिया, थैंक यू बोला, हमें बुरा लगा, उनको थैंक यू नहीं बोलना चाहिए था। इस ये हमारा फ़र्ज़ बनता है एज ए मुस्लिम कि हम उनकी हेल्प आउट करें। दूसरी बात, हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं सितारा यासीन सिस्टर को कि सितारा यासीन सिस्टर, जो मुजरम होते हैं ना वो अबूरी ज़मानत पहले कराते हैं, जो ला को समझते हैं लोग वो समझ चुके होंगे कि जो मुजरम होता है वो अपनी अबूरी ज़मानत पहले करा लेता है कि मैंने ये क्राइम करना, मैं इससे पहले अबूरी ज़मानत करा लूँ। तो आपकी जो नाम नेहाद बहन है, इसने ये जुर्म करने से पहले पहले अपने वकील हायर किए थे, झूठे वकील, जिनमें अली भाई है, बग़ैरत आज़म है, वो जो क्या नाम है उसका, प्रोफेसर, और सेकंड में बिगेस्ट जो एक फाहश औरत है बेबो, जिसका अपना कोई दीन नहीं, बेबो मस्तानी दीवानी बल्कि पागलों की रानी। तो इसी तरह एक दो वकील उसने और किए थे पहले से ही हायर, और उसने ये चीज़ एक मार्केट में प्रॉपर नेटवर्क के जरिए उसने फैलाया हुआ था, प्लानिंग की थी। हाँ, और अभी मैं अली भाई सितारा यासीन सिस्टर को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि सितारा यासीन सिस्टर, हमें कुछ ऐसी चीज़ें आपसे रिक्वायरमेंट हैं जो इस केस को लड़ने में आपके लिए या हमारे लिए मददगार शामिल हों। हम मेरा इंस्टाग्राम है देसी डोज भाई जाहिद खान के नाम से है, अली भाई का इंस्टाग्राम इमरान चौधरी के नाम से है। आप हमसे इंस्टाग्राम पे वो चीज़ें शेयर कर सकती हैं ताकि हमें मज़ीद इन कुत्तों को लगाम डालने में आसानी हो। तो जो पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास अभी इस वक्त मौजूद है, जो ठोस एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं, वो हम लोगों ने आपके, जब आपने हमें इशारा देना है कि ठीक है अली भी स्क्वाड इसको एक्सपोज कर देगा, जिन लोगों ने हमारे चैनल को देखना है वो देखें, जिन लोगों ने हमें अनसब्सक्राइब करना है वो अनसब्सक्राइब करके चले जाएं, ठीक है? यस, ओके ओके ओके। और जो सितारा यासीन के सपोर्टर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो सितारा यासीन को दिलो जान से प्यार करते हैं, तो वो मुझे पता है कि वो अपनी मोहब्बतें हमारे साथ बांटते रहेंगे और इन नाकदीन के मुंह के ऊपर जूते रसीद करते जाएंगे। बाकी हम किसी बंदे के पाबंद नहीं हैं कि हम उनके सवालों के जवाब दें या उनके कहने के ऊपर काम करेंगे। हमें जब सितारा यासीन ने गो हेड देना है तो हमने एक्सपोज कर देनी है हर चीज़, ठीक है? सितारा यासीन रिश्तों के बंधन में इस तरह बंधी हुई हैं कि उनको पूरे, उनकी बरादरी जो है ना, उनके बहन भाइयों के जो रंग थे वो उनको नज़र आ चुके हैं, वो उसको भी सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। एक जुर्म उन्होंने किया नहीं, उनके ऊपर वो जुर्म थोप दिया गया। एविडेंस के लिए अब आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि जनूबी पंजाब से अगर एक बंदा उठ के इस्लामाबाद पहुँच चुका है तो देयर इज़ समथिंग स्पेशल, वेरी स्पेशल। दुआओं में याद रखिएगा जनाब, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग जो हमारा होगा वो बड़ी ही जल्दी आपको हम देंगे। और उसमें देखें, यहाँ पे वीडियो करने के लिए नहीं है, ये जो हमारा केस है इसमें हम इन्वॉल्व हैं, इसमें हम वीडियो देखें, जो मतलब हमारे मुखालिफ हैं वो दिन में 5-7 वीडियोस अपलोड करते हैं, क्योंकि दे आर हियर जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज, और हमें वीडियो का कोई लालच नहीं है। ये बोल भी रही है कि व्यू भी खेलो, आप भी पैसे कमाओ, हाँ, भी कमाने दो, तो वो तो है इसीलिए। तो हमें सिर्फ जो है ना अपने होमवर्क को कंप्लीट करना है, और जब हम दोबारा वापस आते हैं, चाहे वो एक दिन के बाद आएँ या दो दिन के बाद आएँ, लेकिन वो एक कारी वार होगा सभी की, जो है ना वो समझ लें कि बस आगे आप ये हम आपको बताते जाएँ, पास नहीं करूँगा। यूजुअली मैं जब होता हूँ तो अपनी ज़ुबान बहुत अग्रेसिव करता हूँ, नेक्स्ट वीडियोज़ जो हमारी आएंगी वो आप लोगों के लिए खुशी की खबर होंगी। इस वीडियो के बाद हम उस तगड़ी वीडियो के अलावा नहीं आएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, अगर तो हम ये चीज़ प्रूव कर सके या हमारे पास कोई ठोस एविडेंस हुआ तो हम सितारा यासीन के लिए आपको इधर नज़र आएंगे, नहीं तो वरना हम आपको नहीं नज़र आएंगे।
क्योंकि हम व्यूज़ के लिए नहीं आए ना हमसे ये वीडियो खेला जाता है। तो हमें याद रखिएगा हमारी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के लिए, इसमें दम हुआ तो ही हम कैमरे में नज़र आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त, पाकिस्तान जिंदाबाद।